वीडियो जो है वो है डेट एंड पैक के बारे में, जैसा कि टाइटल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे। तो डेट एंड क्या होता है, उसे कैसे यूज करते हैं, कितने टाइम का गैप होना चाहिए उसे यूज करने में, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप लोगों में से कुछ लोग मेरी वीडियो पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार मेरा चैनल वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज मैं जो डेट एंड पैक लगाने वाली हूँ अपने फेस पर, वो मैंने अभी अभी अप्लाई किया था, तो इसका रिजल्ट देखिए आप मेरे फेस पर कितना अच्छा आया है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो आपसे शेयर की जाए, इसका रिजल्ट आप लोगों को दिखाया जाए। तो जो डेट एंड पैक मैं यूज करने वाली हूँ वो है स्नोई का डेट एंड पैक। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि डेट एंड क्या होता है और उसे कैसे यूज करते हैं, तो वो तो आप लोग वीडियो में देख ही लेंगे कि कैसे यूज करते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि डेट एंड पैक होता क्या है। डेट एंड होता है यानी कि जो हमारे फेस पर टैनिंग इकट्ठी हो जाती है गर्मियों में, जरूरी नहीं है कि गर्मियों में ही टैनिंग होगी, टैनिंग सर्दियों में भी हो जाती है। और ये भी जरूरी नहीं है कि टैनिंग ओनली अगर हम बाहर धूप में जाएंगे तभी हमारे फेस पर होगी, नहीं, टैनिंग अगर हम घर में भी रहते हैं, सारा दिन मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, लाइट के नीचे बैठते हैं, ऑफिस में हम काम करते हैं, लाइट जल रही है, लैपटॉप है आगे, मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो उन सब चीजों से जो यूवी रेज निकलती हैं वो भी हमारी स्किन पर इफेक्ट डालती हैं, जिससे कि हमारे फेस पर टैनिंग हो जाती है। और धूप में जाने से तो होती ही होती है टैनिंग, गर्मियों में ज्यादा हो जाती है ये प्रॉब्लम। तो इसी चीज का जो सॉल्यूशन है वो है डेट एंड पैक। तो मेरे पास जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे पास है ये स्नोई का डेट एंड पैक है, आप लोग देख सकते हैं स्नोई का है ये डेट एंड पैक, और ये छोटी सी पैकिंग में आता है और बहुत अच्छा पैक है ये। मैं अपने कस्टमर्स पर ये यूज करती हूँ, खुद पर भी यूज करती हूँ, तो इसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं वैसे तो और भी पैक आते हैं, स्नोई का है, रागा का है, बहुत से आते हैं डेट एंड पैक, लेकिन मुझे स्नोई का ही अच्छा लगता है। और डेट एंड जो हम कितने टाइम में कर सकते हैं वो है कि आप इसे वीकली भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो 15 दिन में एक बार कर सकते हैं, लेकिन हमें करना जरूर चाहिए, इससे सारी टैनिंग जो है वो रिमूव हो जाती है। तो चलिए मैं आपको इसे करने का प्रोसेस बताती हूँ आगे वीडियो में। तो चलिए देखते हैं डेट एंड पैक लगाने का सही तरीका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेट एंड को कैसे करते हैं। सबसे पहले जो स्टेप है मैं आपको वो बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है एक बाउल में पानी, ये देखिए मैंने एक बाउल में पानी लिया है, और ये एक टिशू लिया है मैंने, जिसे मैंने पानी में डिप करके वेट टिशू ले वेट कर लिया है, उसे गीला कर लिया है, और उससे सबसे पहले मैं अपने फेस को क्लीन करूँगी। फेस को क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कोई भी काम कर रहे हैं अगर उस पर डर्टी फेस पे करेंगे, डस्ट जम जाती है, तो वो प्रोडक्ट जो होगा वो रिजल्ट नहीं दिखाएगा। तो सबसे पहले मैंने अपना फेस क्लीन कर लिया है। अच्छे से। और अब ये मेरे पास है नेचर्स का डीप क्लींजिंग मिल्क, मैं इससे अपनी स्किन को क्लीन करूंगी, डीप क्लीन करूंगी। ये देखिए इतना सा लिया है मैंने, और इससे मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। क्लींजिंग बहुत अच्छे से करनी है हमने, क्योंकि अगर हमारी स्किन क्लीन होगी तभी रिजल्ट आएगा, हमारे फेस पर रिजल्ट दिखेगा। तो इसलिए आप क्लींजिंग में थोड़ा टाइम ज्यादा दीजिए, उसे अच्छे से कीजिए। लगभग 3 मिनट तक मैं क्लींजिंग करूंगी, और फिर उसके बाद हम अप्लाई करेंगे डेट एंड।
देखिए मैंने अपनी स्किन को क्लीन कर लिया है, अब मैं अप्लाई करूंगी अपना डेटन पैक। मेरे पास है स्नोई का डेटन पैक है मेरे पास, ये बहुत अच्छा है और इसे मैं अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लूंगी। ब्रश, ये मेरे पास ब्रश है फेस पैक वाला, इससे मैं अप्लाई करूंगी पूरे फेस पर और इसे लगाकर, अच्छे से लगाकर पूरे फेस पर लगभग 15 से 20 मिनट तक छोड़ देना है। और लगाने के कुछ ही 10-1 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये आपकी स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा, दिखना बंद हो जाता है ऊपर ऊपर, क्योंकि ये स्किन के अंदर तक जाकर काम करता है, अंदर से पूरी डस्ट को, टैनिंग को खींचकर बाहर ले आता है। तो इसका रिजल्ट वन टाइम में ही बहुत अच्छा दिखाई देता है फेस पर, तो आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। और मुझे स्नोई का ही डेटन पैक अच्छा लगता है क्योंकि इसे हम अपनी आईज वगैरह पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो डेटन पैक आते हैं रागा के या जिस भी ब्रांड के आते हैं, उन्हें हम अपनी आईज पर अप्लाई नहीं कर सकते। ओनली फॉर स्नोई का ही डेटन पैक ऐसा है जिसे हम अपनी आईज, फेस, कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने बातें करते करते ही अपने पूरे फेस पर इसे अप्लाई कर लिया है और अब मैं इसे अपनी आईज पर भी अप्लाई करके दिखाऊंगी आप लोगों को। ये देखिए, और ये बहुत कूलिंग इफेक्ट देता है, बहुत अच्छा लगता है इसे लगाकर। आप 15 दिन में या हफ्ते में एक बार आप कर ले तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है फेस पर। तो बस इसी तरह से मैंने इसे अप्लाई कर लिया है और अब मैं इसे छोड़ दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए और उसके बाद फिर से इसे एक बार, जब ये स्किन में चला जाता है, पेनिट्रेट हो जाता है, तो एक बार फिर से इसे फिंगर से अपने फेस पर फिंगर घुमा लूंगी जिससे ये फिर से स्किन पर एक बार अप्लाई हो जाए और अपना काम करना दोबारा से स्टार्ट कर ले। तो चलिए 10 मिनट तक वेट करते हैं, मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो ये देखिए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं ये स्किन में अंदर चला गया है, पहले बाहर बाहर दिख रहा था, अब स्किन में पेनिट्रेट हो गया है। तो मैं फिर से अपने ब्रश को थोड़ा सा वेट करूंगी, गीला करूंगी ब्रश को थोड़ा सा और इसे फिर से एक बार रीअप्लाई करूंगी। रीअप्लाई मतलब उसी जो पैक हमने पहले लगाया था उसी पे ब्रश अपना फेर लूंगी, प्रोडक्ट और नहीं लूंगी। प्रोडक्ट ये बहुत है, इनफ है वन टाइम के लिए, बस इसे ही मैं दोबारा से एक बार सेट कर लूँगी और फिर से इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो लगभग 10 मिनट पहले छोड़ा था, 10 मिनट अब हो जाएंगे, तो लगभग 20 मिनट के लिए हम अपनी स्किन पर छोड़ेंगे। तो देखिए ये दोबारा से मैंने सेट कर लिया है और अब मैं इसे फिर से 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो चलिए 10 मिनट तक वेट कर लेते हैं। तो देखिए लगभग 20 मिनट हो गए हैं इस पैक को लगाए हुए अपने फेस पर और ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब इसे हम ऐसे ही नहीं निकालेंगे, इसे हम अच्छे से मसाज करेंगे। आप अपने फेस को हल्का सा गीला करके या फिर आप टोनर यूज़ कर सकते हो या फिर ओनली वाटर यूज़ कर सकते हो। तो मैं टोनर को अपने फेस पर स्प्रे करूंगी और फिर ये गीला हो जाएगा पैक, तो पहले मैं मसाज दूंगी अच्छे से लगभग 5 मिनट तक और फिर इस पैक को हम रिमूव कर देंगे टिश्यू से। तो चलिए मैं स्प्रे कर लेती हूँ, टोनर स्प्रे कर रही हूँ मैं। तो मैंने टोनर को स्प्रे कर लिया है अपने फेस पर और अब मैं अपने हाथों को गीला करके हल्का सा और इसको मैं अच्छे से मसाज कर रही हूँ और हम इसे मसाज करके ही निकालेंगे, सूखे को ऐसे ही नहीं निकालेंगे। मसाज करने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, हम अपनी आईज पर बहुत अच्छे से मसाज कर सकते हैं, फोरहेड पर, एक एक चीज को कवर करना है हमने। देखिए मसाज हमारी हो चुकी है और अब मैं इसे रिमूव कर रही हूँ। मैंने टिश्यू ले लिया है गीला और इससे मैं पूरे फेस को साफ कर लूंगी।
आप अगर कभी भी कोई भी पैक अप्लाई करते हैं तो उसे सूखा मत उतारिए, क्योंकि वो फिर उतरने में काफ़ी टाइम भी लेता है और काफ़ी हार्ड हार्ड होता है, तो स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कभी भी पैक वगैरह अगर सूखा है तो उसे उतारने के लिए पहले अपना फेस गीला कर लें और थोड़ी सी मसाज करके निकालें, जिससे वो इजीली निकल जाता है बहुत आसानी से। तो इसी तरह से मैं अपना अपने कस्टमर पर या खुद पर भी जब भी पैक अप्लाई करती हूँ तो इसी तरह से निकालती हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे से, कितनी आसानी से निकल गया है। मैं आपको वॉश करके दिखा, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लिया है। बहुत मतलब रिजल्ट देखिए फेस पर कितना अच्छा आया है, शाइन देखिए कैसे, मतलब फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है अभी अभी, बस उसे वॉश करके रिमूव किया है और देखिए कितनी अच्छी शाइन आ गई है, पूरी टैनिंग रिमूव हो गई है। तो बहुत अच्छा है ये पैक, इसका रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, वन टाइम में ही रिजल्ट देता है। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आज की ये वीडियो यहीं पर एंड होती है, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।